राम राम संगवारी हो, जय जोहार बिहनिया बेरा के राम राम। और स्वागत है आपन के फिर से मोर एक नवा ब्लॉग में। और संगवारी हो, आज के ब्लॉग का शुरुआत बिहनिया ले। और बिहनिया ले मैं कहाँ जात हूँ, ये तो आपन बड़ा आज सरप्राइज है और बहुत ही बढ़िया आज के ब्लॉग होने वाला है संगवारी हो। तो चलो कंटिन्यू आप मन है मोर साथ ब्लॉग में बने रहो। और बिहनिया ले मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करता हूँ। आज मैं खड़े हूँ अभी, ये देखो चौपाटी में हमर साइंस कॉलेज ग्राउंड के NIT के पास। यहाँ पे अभी चला थे आदिवासी जनजाति सम्मेलन वाला कुछ कार्यक्रम यहाँ चलत रही से, मैं नहीं आ पा रही हूँ संगवारी हो कुछ कारण से, काबर की कंटिन्यू अभी प्रोग्राम चले थे, प्रोग्राम हमारे चलत रही से वही कारण से यहाँ नहीं आ पा रहे हूँ। नहीं तो यहाँ के भी ब्लॉगिंग करे के बहुत मन रही से। तो चलो आप मन कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहो संगवारी हो, ब्लॉग बहुत ही मस्त होने वाला आज के। इतनी बार हमारे मन के बोरिया बिस्तर निकल चुके है और अब हम सामान डाला था बिहनिया ले। सबके हालत देखो एकदम सूत उठ के, कौन नहा है, कौन नहा है, कौन कौन नहीं नहा है, नहवैया मन है घलोक नहीं नहा है एकदम बिहनिया, नहवैया मन घलोक नहीं नहा है काबर की ठंडा ठंडा इतना है कि हालत खराब है। तू नहा रे, चलबे नहीं नहा है तो जल्दी से सामान पैक करबो निकलबो, बहुत दूरिया जाना है आज। नहा ड्रेस में नहा के क्या तीर मार डाले मेरे को समझ नहीं आता, आप नहाए हो क्या? हाँ मैं नहाया, मैं आपको दिखाऊं। तो इधर मैं हूँ और इधर मैं नहा चुका हूँ तो वहाँ जाके क्यों नहाऊंगा बोल रहे हो तो काबल लिख दे वो टन 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 डिक 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 सब सामान आ गए। चलो ना जी आओ, कितनी गाड़ी बची इधर हमला कैसे पता नहीं जब हम देखे हैं तो, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि हमारा तो संगवारी हो बाप रे। देखो इस शख्स को आप पहचानते हैं क्या, और अब्बड़ दूर के टूर है की अब्बड़ दूर के टूर है की कल कर चकन खजानी लो हाथ धड़ रहे। कैसे लगा था आज बिहनिया ले जाड़ा और लागत धनी लागत देख दो चोरी डाले हो मैं जाड़ा और लागत धनी लागत मोल मने नहीं लागत मोल डट्टी लागत जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ची 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 बेनिया ले मैंने पूरा मूड खराब। हाँ अब भूख भी लगा 10,000 के जुगाड़ ज्यादा नहीं भाई, कम नहीं बोल दे। अच्छा ज्यादा अमाउंट बढ़ गए का? तो ये पूरा सब तैयार है और सामान पूरा पैक हो चुके हैं, सब गाड़ी रेडी हो गई है। देखो अब हम निकलने वाले हैं और कहाँ जाने वाले, अरे कहाँ जाने वाले ना बता दो, कहाँ जाने वाले हैं तेलुगु अरे संगवारी हो मोरे चैनल सब्सक्राइब कर लू CG आर्टिस्ट भूषण ध्रुव के नाम से है। और भाई मन तो हमन सब रेडी हैं और महू चालू करते चल रहे हूँ। तो कैसे लागत आज बिहनिया बिहनिया अभी आप तो हमन 5 बजे से रेडी हो गए रहे ना, और दीपक और मैं पूरा रायपुर भ्रमण कर लिए हैं पूरा। क्या जी उत्साह कैसे लगे जी? एकदम बहुत ज्यादा भैया भैया जय श्री राम जय श्री राम। चलो जयकार लगा के निकलना है। अभी हम पहुंचे हैं राजनांदगांव के आसपास और अभी हम शर्मा होटल में रुके हैं नाश्ता करे बार। फाइनली हम लोग को नाश्ता करने का ठिकाना मिल चुका है। वहाँ एक तो डर के मारे हम लोग खाए नहीं, 80 रुपया एक ठन रोटी गई काला खा डर दही, एक ठन रोटी 80 रुपया काला खावे संगवारी हो, गरीब गुजारा आदमी तो ऐसे में रुके हैं। हमारे का खाऊ है फुलबतिया, क्या खाएगी? पकोड़ा, भैया क्या खा रहे हैं आप? इडली दबा रहा हूँ। इडली दबा रहे? हाँ। कैसा टेस्ट है? बहुत है, बहुत सुंदर। मेरे लिए आया नहीं है भैया, मुझे इतना भूख लग रहा है। आ गया भाई, जल्दी आ जाए, बहुत जल्दी आ जाए। ये पहुँच गया सर, आप बोले हाजी आप अचानक नाश्ता जी नाश्ता
तुम्हें नहीं मिले ओला कैसे समाज से बहिष्कृत कर दे पगले तेरे को नहीं मिला सरिता इसको देखो यार इसको देखो जो हियरिंग पहन पूरे पागल हो गए समाज से थोड़ा बाहर है का पूरे समाज से पूरा बाहर है बिरादरी से बाहर कर दिए इसको ये पूरा ऑर्डर ले रही हम लोगों का जो लेट हो रहा है अरे इस गोबर्री को देखो मिलते ही कितना खा रही है तेरे को रे नहीं मिला भाई हम लोग को देखने अब इतनी बार देखो हाथे मन गन्ना जुगा के नाने हैं ए कहां के बारिल भैंस कांग नाने हो ए कहां के बारिल भैंस कांग नाने गाड़ी से बारिल भैंस कांग नाने हो मैं है नाने हो बोले एक ठंडी मिली मांगना हो दे तो गन्ना गन्ना घलो मजा है थे सब जन नाश्ता कर रहे थे हमार मन के हो गए ए नाश्ता दुकान में ना कर नाश्ता नहीं है ना भैया सिरागे सिरागे पूरी पुरुष नहीं है नाश्ता कौन कौन नहीं करे नाश्ता हम नहीं करें भाई पहुंच गए मैं नागपुर के स्पॉट में और यहाँ अभी रुके हैं यहाँ मन रेस्ट हाउस में रुके ना अभी रेस्ट कर वो खाना वाना खा वो सब जन पहुंच चुके हैं देख ये दो जन प्रेमी पकौड़ा मन पहुंच गए ओ तो आप ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड तो आप इस काम के लिए यहाँ पे कब से लग गए हैं मैडम एक नंबर बहुत बढ़िया तो खाना पीने चला थे सबके पहुँच चुके ना मैंने यहाँ पे खाने के इंतजाम करेंगे तो पहुँच चुका ना मैंने स्पॉट छत्तीसगढ़ के मारती बहुत बड़े स्टेज है इधर तैयारी चल रही है अभी सबके तो ये पहुंच चुके हैं ना स्पॉट में और ये है हमारा आज की जगह और ये जगह के नाम है डिप्टी सिग्नल नागपुर में और ये हमारे मन के स्टेज रेडी हो चुके हैं लगभग लगभग और इतनी साउंड और सब सेट कर रहे थे उतने पीछू में हमारे ग्रीन रूम अभी रेडी हो थे थोड़ा टाइम है अभी प्रोग्राम चालू हुए मैं और अति देख सका था बैनर पोस्टर बहुत ज़बरदस्त बना के लग चुके हैं और ये डिप्टी सिग्नल के एरिया है यहाँ पहले भी हम आ चुके रहे काफ़ी पहले 5-6 साल पहले प्रोग्राम दे रहे हैं यहाँ उसके बाद फिर से अभी नागपुर में देना होते और कि देखो सब आर्टिस्ट कलाकार मन बैठे हैं अभी पहुँच चुके सब स्पॉट में ये दे भैया सिंगर भी है लखन बैठे है भूषण भैया दीपक भैया दोनों भूषण भैया बहुत ही कलाकार में सब गाड़ी में सब खड़ा हो गया इतनी भूषण भी एक जन इतनी पर बैठे हैं हमन और कुछ कुछ तैयारी बाकी है वो चला थे और इतनी अभी हमन बैठे हैं दर्शक दीर्घा जितनी दर्शक मन बैठी होती बैठ के हम मंच के जायजा लेवा थन बहुत ही बढ़िया लगे थे और ये एरिया है डिप्टी सिंगल बहुत ही ज़बरदस्त एरिया है यहाँ इतनी ऐसे बोले जाते पहली मन पहली प्रोग्राम दे बरान तो बताए कि एरिया में पूरा छत्तीसगढ़िया मन रही थे नागपुर में ऐसे करके तो बहुत ज़बरदस्त एरिया है नागपुर के और मज़ा आओ थे तो चलो बने रहो अपन कंटिन्यू ब्लॉग में आगे का हुई कैसे हुई एला आप मतलब ब्लॉग के माध्यम से देखे पर मिली आज के प्रोग्राम तो बहुत ज़बरदस्त होने वाला इसे लगा थे काबर की स्टेज वगैरह काफ़ी बड़े बने हैं और एकदम ज़बरदस्त भव्य प्रोग्राम आज के होने वाले हैं ऐसे लगा थे तो चलो बने रहो कंटिन्यू ब्लॉग में अपन आगू देखे पर मिली आप मतलब कि हमारा कैसे हुई अमर मन के प्रोग्राम भैया मन सब जन बैठे
सबको आईफोन रेडी हो गए तब मुझे ऐसे लगा Oh!
पर आज के हमारे प्रोग्राम फाइनली सक्सेसफुल बहुत ही बढ़िया हो गए। अभी पैकिंग कर रहा था, फिर से रायपुर रवाना होना है तुरंत। अभी खाना वाना खा के रायपुर निकलबो। और आज के प्रोग्राम तो बहुत ज़बरदस्त माहौल रही से, बहुत ताबड़तोड़ पब्लिक रही से यहाँ के। बहुत मज़ा है इस प्रोग्राम में। क्यों, कैसे लगा ब्रो? ए ब्रो, बोल नहीं पाया मैं, थोड़ा बिजी हूँ। क्या है, ये कार्यकर्ता लोग को ऐसे पहनाना पड़ता है ना। अब ठीक है, ओके ब्रो, अब सही लग रहे हैं। हाँ, तो बहुत मजा आया आज के प्रोग्राम में। आपको मल्ला वीडियो के माध्यम से देखे हो तो आपको मल्ला अच्छा लगी सो जरूर, ये आशा करता हूँ। तो चलो बने रहो कंटिन्यू ब्लॉग में। जाते नहीं हो कहाँ जाना है, कती कती बार ले रायपुर निकलना है, आप मतलब ब्लॉग के माध्यम से दिखाओ। तो चलो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहो। अपन प्रोग्राम कंप्लीट करके फिर से आगे ना, मन खाना खाए बस। और खाना खा के तुरंत रायपुर के लिए रवाना होगो। काका बन ही जी, रोटी है पे, सब्जी है पे, हमें भैया आपन ऑनलाइन अभी लाइन में है हम आपके साथ। ये बंसी दादा तुम्हारा तो भारी भूख और मोर प्लेट पूरा निकाल रहे हूँ और इतनी नानो भी लाइक सब भाई बहन घलो। हमारे डोकरा बाबा
जड़ा साल उड़ते। तो खाना में है रोटी, यहाँ की रोटी बहुत ही स्पेशल है समारे, उसे बड़े बड़े बना के ऐसे काटे हैं, और वह सब्जी का सब्जी भाटा आलू कस दिखा थे, बरबट्टी घलो है और थी दाल पालक। तो चलो खाया जाए ना, खा से हम निकल गए रायपुर के लिए, और ये से नागपुर रायपुर नेशनल हाईवे जो यादें आती है नीरू की यादें, जबरदस्त के क्या सपने थे, नीरू क्या बनना चाहते थे बचपन से ही, मैं एक्टिंग तब फाइनली हमन पहुंच गए संगवारी हो रायपुर। और आज के ब्लॉग अत के दूर है, कैसे लगे आज के ब्लॉग आप मन कमेंट करके ज़रूर बताओ, और बहुत जल्दी मिलबो ऐसे एक नवा ब्लॉग के साथ में, तब तक बार राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।